1998 में 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने संसद का रुख किया। योगी जी जब संत बन चुके थे तो गोल घर में ही एक व्यापारी था, वहाँ पे कुछ मारपीट हुई तो व्यापारी ने रिवॉल्वर निकाला। उसके एवेज में जो है योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कुछ युवा साथियों को लेकर के काफ़ी धरना प्रदर्शन दिया था गोरखपुर में। तो ये एक राजनीतिक छवि डेवलप होने की जो है ये एक पहली प्रक्रिया थी। उसके बाद धीरे धीरे इसी क्रम में विकास होते होते नो डाउट महंत अवैद्यनाथ जी ने उनको अपनी राजनीतिक विरासत भी सौंप दी थी। तो वो चुनाव वगैरह भी वहाँ से जो है लड़ने लगे थे और लगभग लगभग हर बार ही वो जीते हैं। लेकिन राजनीतिक क्रियाकलाप में योगी आदित्यनाथ जी धीरे धीरे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगे और उन्होंने उन मुद्दों को पकड़ा। उनके समय पे अगर देखा जाए पूर्वांचल में तो हिंदुओं के लिए जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे थे। अगर आप पास्ट में जा कर के उन सारी खबरों को देखें कि योगी आदित्यनाथ जी ने किन किन मुद्दों को उठाया, किन किन मुद्दों के विरोध में जो है उन्होंने आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन दिए, तो ये क्लियर हो जाएगा कि उनका राजनीतिक पथ कैसे बढ़ा। धीरे धीरे करके अपने आप को वो एक राजनीतिक कद्दावर नेता यानी लोकप्रिय नेता के रूप में भी वो अपने आप को डेवलप करते गए। वो हिंदू समाज से सीधे और डायरेक्ट संवाद में विश्वास रखते थे, लोगों के पास जाते थे। उनकी एक छवि उभरने लगी और छवि कुछ ऐसी उभरने लगी कि हिंदुओं का अगर कोई शुभचिंतक है जो उनको सुरक्षा दे सकता है, सम्मान दे सकता है, तो वो इस युवा चेहरे के अंदर दिखा। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने का अवसर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्राप्त हुआ। देखिए, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति या समाज में बदलाव अकेले रह करके नहीं हो सकता है। ठीक है, शुरुआत अकेले होती है, लेकिन आपको जनता का सपोर्ट चाहिए। जनता का सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो आपको अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने पड़ते हैं। अच्छे रिजल्ट डिलीवर करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके में काम करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके में। अगर आपको ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड तरीके में काम करना है तो उसके लिए आपके पास मैन पावर होनी चाहिए, संख्या बल होनी चाहिए। अगर आपको कहीं प्रदर्शन करना है, धरना प्रदर्शन देना है, कहीं मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए संख्या बल बहुत ज़रूरी होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवा वाहिनी को इसीलिए बनाया कि सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते थे। डिपेंडेंट नहीं रहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि दो तरीके के रास्ते होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे किसी पार्टी में एंट्री मिल जाए और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अकेले दम पे अपनी पहचान बनाएं। तो कोई भी आदमी, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी नए लोग ऐसे किसी भी फील्ड में आते हैं जो अपने दम पे सारी चीज़ों को बनाते हैं और सक्सेस होते हैं, उनकी मेन फिलॉसफी ये होती है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। बीजेपी के पास ऐसा नहीं है कि सीएम के चेहरे की कोई कमी थी। चुनाव में और इसके पहले भी योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में बहुत एक्टिव थे। कई बार वो एमपी का इलेक्शन जीत भी चुके थे और इतने दरमियान में जितनी बार वो चुनाव जीते थे तो ऐसा नहीं है कि वो केवल सांसद बन करके ज़िंदगी के जो है वो लुत्फ ले रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी के अंदर और दूसरों के जो दूसरे नॉर्मल एमपी होते हैं, एक ख़ास बात रही है। एमपी बनने के बाद भी उनकी जो एक अलग रणनीति थी, यानी कि बियॉन्ड एमपी, एज ए इंडिविजुअल एक संत की जगह की तरह एक हिंदुत्व के जो है फायर ब्रांड नेता होने के कारण जो है वो जगह जगह जहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत आती थी, कोई चुनौती आती थी, वो जाते रहते थे। यानी जो सामाजिक और धार्मिक कार्य होते हैं, लगातार उसमें योगी जी लिप्त रहे बियॉन्ड अपनी लिमिटेशन के जा करके। वो एमपी थे, केवल एमपी के प्रोटोकॉल को भी फॉलो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी छोटी छोटी जगहों पर भी वो जाते थे जहाँ चुनौतियाँ उनको मिलती थी और अपने हिसाब से वो लोगों की, जनता की मदद करते थे। इन सब का परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे जो पॉलिटिकल ऑरा है योगी जी का वो बढ़ने लगा। जब उनको सूचना मिली कि उनके पिताजी का एम्स में देहांत हो गया है, उनको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से संबंधित एक मीटिंग में व्यस्त थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया या छोड़ दिया। वो अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे और वो मीटिंग करते रहे। ठीक इसी तरीके का एक उदाहरण इतिहास में मैं आपको और बताऊं, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मिलता है। पेशे से वो वकील थे, कोर्ट में वो बहस कर रहे थे और उनको एक आदमी ने आके एक पर्ची पकड़ाई। उस पर्ची को उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद जेब में रख लिया और अपनी दलीलों को देते रहे, यानी बहस वो पूरी करते रहे। जब बहस ख़त्म हो गई
तो किसी ने उनसे पूछा कि उस पर्ची में क्या लिखा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिखाया और बताया कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इस चीज़ की सूचना मुझे आई थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सनातन धर्म की ये परंपरा रही है कि अगर किसी को डेवलप किया जाए, किसी की पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए सनातन धर्म के हिसाब से, इतना त्याग और कर्तव्य के लिए स्पेशली इतना त्याग केवल यहीं पर आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पे किसी नज़दीकी आदमी के, अपने पिता के, अपनी पत्नी के देहांत की खबर आती है तो वहाँ पर वो अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं।